और चलिए अब 8 बजे की बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग आपको बता दें, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने मंगलवार को सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ये परीक्षण सेना के अंडमान निकोबार कमान की ओर से किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए पश्चिमी कमान को बधाई दी। दूसरी ब्रेकिंग, गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 89 पर मंगलवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार अभियान थम गया। इन 89 सीटों पर पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा, बाकी 93 सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जिनके लिए प्रचार अभी 3 दिसंबर तक चलेगा। दूसरे चरण के लिए आज गृहमंत्री अमित शाह 4 जगहों पर रोड शो और रैलियां करेंगे। तीसरी ब्रेकिंग, भगवंत मान आज सुबह 11 बजे अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वो गुजरात में बीजेपी की खामियों को उजागर कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस की तरफ से रघु शर्मा, आलोक शर्मा, शक्ति सिंह गोहिल, जगदीश ठाकुर सहित अन्य नेता दूसरे चरण के लिए अलग अलग जिलों में जनसभा और जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। चौथी ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। आज बीजेपी दिल्ली में 14 बड़े रोड शो करने जा रही है। इन रोड शोज में बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। इसमें कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बीजेपी नुक्कड़ सभाएं और पदयात्रा भी निकालेगी। मंगलवार को बीजेपी ने 108 जनसभाएं की। पांचवी ब्रेकिंग, दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके 3 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली कैंट से आपके पूर्व विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह, त्रिलोकपुर से पूर्व विधायक राजू धिंगान और गोकुलपुर से पूर्व विधायक चौधरी फतेह सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। छठी ब्रेकिंग, यूपी में होने वाले चुनावों के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के 3 शहरों का दौरा करेंगे। अपने एक दिवसीय दौरे पर सीएम योगी मेरठ, खतौली और गोरखपुर जाएंगे। आज दोपहर के वक्त सीएम योगी मुजफ्फरनगर के खतौली में उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम 517 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। यहां से सीएम गोरखपुर रवाना होंगे। सातवीं ब्रेकिंग, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सियासी सुलह करवा दी है। गद्दार विवाद के बाद मंगलवार को पहली बार एक बैठक में गहलोत पायलट के बीच नमस्कार हुआ। इसके बाद वेणुगोपाल ने पहले बंद कमरे में दोनों को मिलवाया, फिर मीडिया के सामने गहलोत पायलट के हाथ खड़े करवाकर कहा, दिस इज राजस्थान कांग्रेस और हम पूरी तरह एक। रुक कर लेते हैं आठवीं ब्रेकिंग का। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट मंगलवार को पूरा हो गया। इससे आफ्ताब के नार्को टेस्ट का रास्ता साफ हो गया है। पुलिस ने दिल्ली कोर्ट से 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाने की अपील की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में होगा, जिसके लिए पुलिस आधिकारिक रूप से अस्पताल में मुलाकात करेगी और तैयारियों की समीक्षा करेगी। नौवीं ब्रेकिंग, एम्स अस्पताल का सर्वर हैक मामले में एनआईए जांच कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई थी। इस बैठक में एम्स प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के अलावा खुफिया ब्यूरो, एनआईसी, एनआईए और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एनआईसी के अधिकारियों ने बैठक में कहा कि जल्द ही एम्स के सर्वर को सुचारू रूप से काम करने के लिए ठीक कर लिया जाएगा। दसवीं ब्रेकिंग, आज खेल जगत की बड़ी हस्तियों को राष्ट्रपति भवन में खेल रत्न पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सभी खिलाड़ियों और कोचेस को इन पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अचंता को चुना गया है। अर्जुन अवार्ड के लिए 25 खिलाड़ियों को चुना गया। 11वीं ब्रेकिंग, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कर्नाटक के सीएम वो मई दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दशकों से सीमा विवाद चल रहा है। 1960 में अपने गठन के बाद से ही महाराष्ट्र का बेलगाम जिले और 80% मराठी भाषी गांवों को लेकर कर्नाटक से विवाद है। 12वीं ब्रेकिंग, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी की ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा वाले आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई जारी है। इस मामले में कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। इसके अलावा ज्ञानवापी के एक और मामले में आज सुनवाई होगी। ये सुनवाई मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने वाली याचिका पर होगी। 13वीं ब्रेकिंग, आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ऊर्जा क्षेत्र में 15,871 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात जनता को सौंपेंगे। इस दौरान वो 2,635 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही
ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य का शुभारंभ भी होगा। समारोह में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। रुक कर लेते अगली ब्रेकिंग का। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा स्तर पर डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो लीगल टेंडर रहेगा। साथ ही ये पायलट प्रोजेक्ट ग्राहकों और व्यापारियों के साथ क्लोजर यूजर ग्रुप को कवर करेगा। ग्राहक डिजिटल रुपयों का लेन देन डिजिटल वॉलेट के जरिए कर सकेंगे। 15वीं ब्रेकिंग, टाटा ग्रुप ने मार्च 2024 तक अपनी एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया के विलय की घोषणा कर दी है। काफी समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि टाटा ग्रुप अपनी सभी एयरलाइंस कारोबार को एक साथ ला सकता है। वहीं सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड ने भी विस्तारा एयर इंडिया विलय की पुष्टि की है। 16वीं ब्रेकिंग, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी वनडे मैच क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। इससे पहले मेजबान टीम ने टीम इंडिया को पहले मैच में हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली थी, जबकि दूसरा मुकाबला बारिश में धुल गया था। ऐसे में अब अगर टीम इंडिया ये आखिरी मुकाबला नहीं जीत पाती तो मेजबान टीम ये सीरीज 2-0 से जीत लेगी। 17वीं ब्रेकिंग, जम्मू के पक्का ढंगा थाने में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। खबर यह है कि ये लोग राजभवन के पास एक ड्रोन उड़ा रहे थे। जब इन लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो पता चला ये लोग राजभवन के पास एक निजी समारोह में ड्रोन उड़ा रहे थे जो गलती से राजभवन के पास चला गया। पुलिस के मुताबिक राजभवन का एरिया नो फ्लाई जोन में आता है। और 18वीं ब्रेकिंग, चीन के उरुमकी शहर से जहां इमारत में लगी आग का एक और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें अपार्टमेंट में आग लगने के बाद एक महिला बदहवास हालत में फ्लैट से निकलकर खिड़की पर खड़ी हो जाती है और देखिए अचानक से बिल्डिंग से गिर जाती है। दरअसल ये महिला इसलिए अपार्टमेंट से भाग नहीं पाई थी क्योंकि चीन में कोविड को लेकर सख्त नियम है, जिसके चलते सरकार ने सभी अपार्टमेंट्स के दरवाजे बाहर से बंद करा दिए थे।